क्या बात है। तो आज देसी शेफ लिटिल किचन में मैं बना रहा हूँ ये कश्मीरी दम आलू। देखिए कितने शानदार बने हैं ना। और ना प्याज, ना लहसुन, ना अदरक, ना हरी मिर्च, ना टमाटर, ना काजू, ना बादाम, और फिर भी देखिए कितनी रिच ग्रेवी बनी है ना। और आलू आलू तो ऐसे बने हैं जैसे कि रसगुल्ले बने हो। और इनको बनाने के लिए आज मैंने कौन सी टिप्स एंड कौन सी ट्रिक्स यूज़ करी है, वही सब आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? शेफ राजेश देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों देसी शेफ लिटिल किचन में आज आपका स्वागत है ये रेसिपी बनाने के लिए जो है दम आलू। दम आलू अपने आप में बहुत तरीके से बनते हैं। पंजाबी दम आलू, बनारसी दम आलू, बंगाली दम आलू और कश्मीरी दम आलू, और जैसे भी निकालो इन आलुओं का दम निकालो। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपके साथ में मिलके ये कश्मीरी दम आलू। पीछे बनाए थे, बहुत स्वाद बने थे, तो मैंने सोचा आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे आलू। अब बड़े आलू लेके उसको छोटा करके उसके साइज़ बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप ये छोटे साइज़ के ही आलू लीजिएगा, और इसके बाद में इनको आपने अच्छे से साफ़ करके, इनको मैं सिर्फ एक ब्लांच दे दूँगा। आप कच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उबाल के भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु मैं इनको सिर्फ एक कुकर में एक सीटी दूँगा, और उसके बाद झटपट इनको निकाल के इनका अगला प्रोसेस करता हूँ। तो चलिए पहले यही शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरीके से मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये दम आलू की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, कश्मीरी दम आलू की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो आप कोई भी स्टेप इसमें मिस मत कीजिएगा। तो ये मैंने बहुत ही कम पानी लिया है आलूओं के लिए, और इसमें मैं अपने आलू सारे डाल के झटपट इसको मैं सिर्फ एक ही सीटी दिलवाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको ओवर कुक तो करना ही नहीं है, और कोशिश करनी है कि हम इसको बिल्कुल ही इस तरीके से निकालें कि इसके छिलका अच्छे से निकल जाए। तो ये जब तक ये तैयार हो रहे हैं तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। दोस्तों जब तक आलू उबल रहे हैं, अब हम बनाते हैं इसके लिए मसाला। आप पीसे हुए मसाले भी ले सकते हैं, परंतु खड़े मसालों को उसी समय रोस्ट करके इसके सारे एसेंशियल ऑयल्स को जागृत करते हुए जब हम ये मसाला बनाते हैं तो उसकी कुछ बात ही कुछ और होती है। तो इसके लिए लिया है मैंने ये एक चम्मच धनिया, एक चम्मच सौंफ, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, ये जीरा लिया है, और ये मैंने तेज़पत्ता के साथ में छोटी इलायची और बड़ी इलायची ली है, और ये 4 से 5 मैंने लाल मिर्च ली है। आपके पास लाल मिर्च की जगह कश्मीरी मिर्च हो तो बहुत ही अच्छा है, वो थोड़ी ज़्यादा डल सकती है, परंतु मैंने ये साबुत लाल मिर्च ही ली है। और अब इनको सबको लेके मैं हल्का सा इनको रोस्ट कर लूँगा, ये देखिए, ताकि ये, और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने रोस्ट करना है, ताकि इनके एक तो जले नहीं और दूसरे इनके एसेंशियल ऑयल्स जो है ना वो भी इसके अंदर से अपनी अच्छे से अपनी महक और खुशबू और अपनी प्रॉपर्टी को हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाए। इसको बहुत ही धीमी आंच पे हमने रोस्ट करना है, हमने इसको लाल नहीं करना है। और उधर देखिए मेरे कुकर को सीटी आने की भी तैयारी हो गई है, और ये देखिए, और इन सब को अच्छे से ग्राइंड करके इसका हम पाउडर बना लेंगे। आप इसको माइक्रो में भी कर सकते हैं, माइक्रो में सारे मसाले को रोस्ट करने की टाइमिंग है 1 मिनट ऑल टुगेदर सारे मसालों को। और ये मैंने इलायची दोनों की दोनों छील ली हैं, और बस अब इन सब को मैं फटाफट ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लूँगा। लीजिए ये मेरे कुकर को भी सीटी आ गई, गैस बंद, और मैं इसको झटपट ही ठंडा होने दूंगा, ताकि ऑलरेडी पानी वैसे भी कम है तो प्रेशर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मीन टाइम हम अपना पीस लेते हैं अपना ये मसाला। ये गया मेरा सारा मसाला इसमें, और हम अब इसको झटपट पीस लेंगे। अब इस मसाले को मैं ठंडा होते ही झटपट ग्राइंड करके आपसे मिलता हूँ। और लीजिए ये मेरा मसाला सारा बहुत अच्छे से पिस गया है। वर्चुअली मैं आपको इसका फ्लेवर यहाँ से कैसे आपको समझाऊँ,
क्या फ्लेवर बैठा है पूरे किचन के अंदर में। और उधर मेरे आलू भी गैस निकल गई उसकी, यानी कि उसका प्रेशर ख़त्म हो गया और मैं उसको भी झटपट निकाल लेता हूँ। तो लीजिए मेरे आलू हो गए तैयार, अब इसको निकाल के झटपट ठंडा करते हुए इसको मैं झटपट छील लेता हूँ, ये देखिए। और अब इसको मैं झटपट ही छील लूँगा। देखिए अंदर से अभी भी कच्चे हैं ये, बस ये देखिए कितने आराम से इसकी स्किन उतर रही है। और इनको वैसे सिर्फ एक ही सीटी दी है, और अगेन मैंने लिए हैं बहुत ही छोटे छोटे आलू, ये देखिए। और इन सबको मैं झटपट ही छील लूँगा। और छीलने के बाद क्या करना है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये आलू छिल गए, आसानी से छिल गए, और अंदर से अभी पके भी नहीं हैं। बेसिकली कश्मीरी दम आलू के अंदर में हम लेते हैं कच्चे आलू, उबले आलू नहीं। कोई कोई उबले आलू लेता है, कोई कच्चे आलू लेता है। पर इस तरीके से एक सीटी देने के बाद में आलू की जो स्किन है वो तो निकल गई, और ये देखिए कितनी थोड़ी सी निकल गई। और अगर इतने छोटे आलुओं को मैं पिलर से पील करने लगा ना, तो ये आलू आधा भी नहीं बचेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और अब इन सबको मैं प्रिक कर लूँगा, ताकि ये देखिए अंदर से अभी भी कच्चे हैं ये, और इनको अच्छे से मैं प्रिक कर लूँगा, ताकि जब मैं इसको अगले प्रोसेस में लेके जाऊँ तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। और यकीन मानिए बिल्कुल रसगुल्ले जैसे हो जाएंगे, जैसे रसगुल्ला एब्जॉर्ब कर लेता ना ग्रेवी को, वैसे ये भी देखिए लग तो अभी भी छोटे छोटे रसगुल्ले रहे हैं ना। तो ये भी झटपट ही मेरी सारी जो मैं इसके साथ में इसकी जो ग्रेवी बनाऊँगा वो इसको अच्छे से ना कि एब्जॉर्ब कर जाएगा बल्कि अंदर तक पी भी जाएगा। और उसके बाद में अगर आप इसको निचोड़ेंगे तो जैसे रसगुल्ला निचोड़ के वापस आता है ना, वैसे ये भी निचोड़ के वापस आ जाएगा। तो मैं सबको अब फटाफट प्रिक करके अगले स्टेप पे आता हूँ आपके साथ में। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने अच्छे से आलुओं को प्रिक कर लिया। और दोस्तों छोटे आलुओं की अपनी स्टार्च और अपनी स्वीटनेस होती है, और इसका स्वाद भी अपने आप में ही थोड़ा सा मज़ेदार होता है। और ये जो सामग्री ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ कुल मिला के 3 लोगों के लिए। आप सामग्री कम या ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों के नंबर और उनके एपेटाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो दम आलू बनते हैं ये बिना प्याज लहसुन के बनते हैं। बाकी आप वहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। और दोस्तों इन आलुओं को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर में ही हमने फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पके। और उसके बाद में इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो, यानी कि इनके ऊपर में एक क्रिस्प, इसकी ऊपर की जो स्किन है क्रिस्प ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए, और ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए धीरे धीरे ये सारे आलू मैं इसमें डाल के इसको मैं बिल्कुल मीडियम फायर के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इन सबको मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूँगा। जैसे जैसे ये टेम्परेचर लेते जाएंगे और वैसे वैसे ये अच्छे से पकते भी चले जाएंगे। और जब तक ये मेरे आलू हो रहे हैं तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। वो भी अपने आप में ही बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, और देखिए झटपट ही हो जाएगा सब कुछ। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ये देखिए टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया ना इन्होंने, ये देखिए अभी भी ये जितने गोल्डन चाहिए उतने गोल्डन हुए नहीं, ये देखिए समझ लीजिए गुलाब जामुन तल रहे हैं, ये देखिए। और अब तैयारी करते हैं अपनी करी की। तो दोस्तों ये मैंने ले लिया है 1.5 कप दही रूम टेम्परेचर में, और दोस्तों दही ना खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब इसको हम फेंट लेंगे। ये देखिए, और इस दही को हमने कैसे तैयार करना है और इसको पकाना कैसे है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये हो गया मेरा दही तैयार। तो चलिए अब इसमें जो हमने मसाले पीसे थे उसके अंदर से मैं उतने ही मसाले ले लूँगा जितना मेरे को लगता है कि ज़रूरत है। तो मैं इसमें से अभी आधा ही मसाला लूँगा, ये देखिए। और इसी के अंदर में इसको मैं मिला लूँगा।
देखिए क्या शानदार कलर आया ना। तो अब इधर मेरा मसाला तैयार, इधर मेरी ग्रेवी तैयार और उधर मेरे आलू भी तैयार हो रहे हैं। नहीं ग्रेवी तैयार नहीं, ग्रेवी की तैयारी शुरू। ये देखिए तो अब मैं कटोरी में ले लूँगा ये नमक, हल्दी, थोड़ा सा ये धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और इनको मैं पानी से डाइल्यूट कर लूँगा और साथ में डालूँगा इसमें आधा चम्मच के लगभग अपनी कश्मीरी मिर्च और इसके अंदर में पानी डाल के मैं इनको सबको डाइल्यूट कर लूँगा। जिस मिक्सी में मैंने मसाला पीसा था ना उसी में थोड़ा पानी डाल के मैंने ये घुमा लिया ताकि इसका सारा जो भी मिक्सी के ग्राइंडर में लगा था वो भी मैं निकाल लूँ। ये देखिए और इसको मैं इस तरीके से घोल लूँगा और उसके बाद में तब तक एक बार चेक कर लेते हैं अपने आलू। यानी मेरा ये मसाला तैयार, ये मेरा ग्रेवी के लिए दही भी तैयार और उधर मेरे आलू भी ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा सुनहरा और हाँ बहुत ज़्यादा लाल या काले मत कीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों इधर मेरे आलू, ये देखिए कितने अच्छे सुनहरे हो गए ना, इसी बस इतने ही सुनहरे करने हैं, बहुत ज़्यादा लाल मत कीजिएगा। और ये बिल्कुल अब जब अपनी ग्रेवी पी जाएंगे ना तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा ही हो जाएंगे। साथ में जाएगा थोड़ा सा जीरा और गैस एकदम हल्की। गई है मेरी आधा चम्मच के लगभग अपनी कश्मीरी मिर्च। अब आप बताइए कहाँ जाएगा इस ग्रेवी का रंग। और ये जो मैंने मसाले भिगो के रखे थे ये इनको मैं इसमें अब डाल दूँगा। ये देखिए तो इससे क्या होगा, एक तो मसाले जलेंगे नहीं और सब एक साथ होके अपना आराम से पक भी जाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए झटपट ही इन्होंने अपना कैसे पकते ही तेल छोड़ दिया। ये देखिए डाल दूंगा थोड़ा सा नमक, बाकी तो स्वाद अनुसार जब इसको मैं फाइनल चेक दूंगा तब एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए क्या रंग आया है, ओहो। और अब गैस हल्की और डाल देंगे अपना जो हमने ग्रेवी के लिए दही तैयार किया था। और ये गया मेरा सारा दही और दोस्तों अब इसको हमने लगातार चलाना है ताकि ये दही जो है ना फट ना जाए और आंच तेज नहीं करनी। इसको अब एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना हमने और इसको तब तक पकाना है जब तक ये अपने बुलबुलों पे ना आ जाए। ये देखिए कलर देखिए, काजू की ग्रेवी या क्रीम की ग्रेवी भी इसके सामने पानी भर ले, इतना शानदार। ये देखिए तो लीजिए मेरे हाथ का कार्डियो हो गया और ये देखिए इसमें बुलबुले आने भी शुरू हो गए और साइडों से तेल छूटना भी शुरू हो गया। ये देखिए और अब इस स्टेज पे आके मैं मिला दूंगा इसके अंदर में अपने ये तले हुए रसगुल्ले के आलू और इनको भी झटपट मिला देंगे। आप ग्रेवी देखिए कितनी रिच होती जा रही है ना, और बस अब इसको हम इसी के अंदर में थोड़ा सा मिलाते हुए इनको आपस में एक दूसरे का अता पता पूछने देते हैं। और अब इसको मैं कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए और कुक करूँगा। तो लीजिए मेरे दम आलुओं को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए और ये देखिए क्या रूप निख रहा है इनका। और ये देखिए इन्होंने अपना सारा ऑयल भी छोड़ दिया, यानी ये रोगन
और इस समय ये जो आलू हैं ये एकदम सारे मसाले और तरी को अंदर तक पी के एकदम रसगुल्ले हो रखे हैं, ये देखिए। और खुशबू तो पूरे किचन में, तो क्या किचन की खिड़की के बाहर तक फैली हुई है इसके मसालों की, और लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आज देसी शेफ लिटिल किचन में ऐसा क्या पक रहा है जिसकी महक पूरे मोहल्ले को एकदम बेकरार किए हुए, ये देखिए। और आप इसको राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, पराठे से खाइए, आप इसको तंदूरी रोटी से, जो भी आपके समझ में आए, ये हर एक के साथ में अपने आप को मैच करने के लिए एकदम तैयार है, फर्स्ट क्लास। और आपको लगता है इसमें धनिया डालने की ज़रूरत है? क्या खूबसूरती आई है ना इसकी, और ना प्याज, ना लहसुन, ना काजू, ना बादाम, ना टमाटर। और दोस्तों इस रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रूम टेम्परेचर पे दही, जो कि खट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर में जाती है सौंफ, सौंठ और हींग, और बाकी मसाले तो आपके साथ मैंने शेयर किए ही किए हैं। और ये देखिए कितने ही शानदार बने हैं ना, तो बस आप भी बनाइए फटाफट घर के अंदर में ये कश्मीरी दम आलू। इसके अलावा भी बहुत सारे आलूओं ने अपना दम निकाला हुआ है, चाहे वो बनारसी दम आलू है, चाहे वो पंजाबी दम आलू है, चाहे वो कलकत्ता से बंगाल का फेमस, कलकत्ता का मशहूर बंगाली दम आलू। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही पकाते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते भी रहिए, पचाते भी रहिए, और पैसे भी बचाते रहिए, और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।